गुड़ी पड़वा में वो जो स्टिक लगा के उसके ऊपर एक लोटा उल्टा लगाते हैं ना, एक लकड़ी उसके नीचे कपड़े बांधते हैं, उसके ऊपर एक लोटा उल्टा टांगते हैं, ये क्यों? वो भी नया साल का पहला दिन। जब कोई मरता है तभी हम कलश को उल्टा रखते हैं ना, एक कलश में पानी लेकर के वो शव के चारों ओर घुमा के फिर शव के पीछे उसको उल्टा लगा देते, माने खत्म, इसमें जो पानी था वो सब गया, जीव गया, अब लोटा उल्टा हो गया, कुछ बचा नहीं, खत्म हो गया। जब भी कोई लोटा उल्टा करते इसका मतलब अंत है, खत्म हो गया। मगर गुड़ी पड़वा में वो करते हैं ना, इसमें क्या नीचे कपड़ा बांधते हैं, फिर उसमें आम और नीम रखते हैं, फिर वो बतास का हार माला भी उसमें रखते हैं और ऊपर से कलश उल्टा रखते हैं। इसका अर्थ यही है, अभी जीवन है, समाप्त नहीं हुआ, मगर नया साल में ये दिमाग को खाली करो, उल्टा कर दिया और जीवन में नीचे झुक के देखो क्या है, नीम है, आम है, मधुरता है और कड़वापन भी है, इन दोनों को लेके चलो। दोनों को लेके चलो। नीम तुमको मजबूत करता है, रोग निरोधक शक्ति होती है उसमें, और मधुरता तुमको कंफर्ट देते, सुख देता है। और उसी दिन रखते, शाम को सूर्योदय से पहले उसको निकाल देते, दूसरे दिन नहीं रखते उसको, दूसरे दिन तक नहीं रहना चाहिए, पहले दिन ही वो गुड़ी पड़वा के दिन ही वो उल्टा रहेगा, बाद में सीधा हो जाएगा और कलश। फिर 9 दिन फिर वो सब है, नवरात्रि का पूजा सब चलता है। तो जीवन शुरू करते हैं, नया साल को क्लीन स्लेट से शुरू करो। क्या बर्तन में कुछ भरे हुए रहोगे तो जीवन बहुत कुछ खो दोगे, बर्तन को ऐसे खाली कर दो। देखिए हमारे पूर्वज जो भी रीति रिवाज बनाए ना, उसमें कुछ अर्थ रखे बनाए, मुझे तो ऐसा लगता है खोखले नहीं थे वो, बड़े मेधावी रहे होंगे हमारे पूर्वज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक के साथ कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इससे जुड़े अन्य वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।